जैसे जैसे इसराइल और हिजबुल्ला जंग के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे गाजा में हमास आईडीएफ के लिए एक नया जाल बिछा रही है, ताकि इजरायली फौज दोनों फ्रंट पर कमजोर पड़ जाए। और गाजा में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, राफा के भीतर अल कासिम ब्रिगेड पहले ही इजरायली सेना पर गोरिल्ला स्टाइल में ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, लेकिन अब उसने एक वीडियो जारी करके पूरे इजरायल में खलबली मचा दी है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने लेबनान के हिजबुल्ला को संबोधित करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है। अल कासिम ने अपने इस वीडियो में आईडीएफ के कई टैंकों को दिखाया है, जिसके नीचे कैप्शन लिखा है कि ये इजरायल के गैलेंट आर्मर्ड वाहन हैं, जो राफा से बाहर आ रहे हैं, और हम आश्वस्त हैं कि आप इजरायल के और ज्यादा टैंकों को ध्वस्त करके अपना मिशन पूरा करेंगे। आपको बता दें कि अल कासिम ने यहाँ पर हिजबुल्ला को संबोधित किया है, और इस वीडियो में अल कासिम ने आईडीएफ पर कई भीषण हमलों की क्लिपिंग्स को भी दिखाया है, और वीडियो के अंत में हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्लाह का एक बयान भी चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास टैंक नहीं बचेंगे, तब तक इजरायली फौज गाजा से वापसी नहीं करेगी। सेना के लिए थी। और इसी वीडियो में इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का एक बयान चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि टैंक रफा से बाहर आ रहे हैं और ये लितानी पहुंच सकते हैं। अल कासिम ने योव गैलेंट और नसरल्लाह के इसी बयान को आधार बनाते हुए ये इशारा किया है कि अगर आईडीएफ लेबनान की तरफ बढ़ी तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। आपको बता दें कि इस वीडियो के अलावा अल कासिम ने एक और वीडियो जारी किया है, जो बानी सुहेला इलाके का है, जो खान यूनिस के पूर्व में स्थित है। इस वीडियो में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके दूर खड़े कुछ इजरायली सैनिकों पर स्नाइपर ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन सैनिकों के बगल में आईडीएफ के दो बुलडोजर भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इस हमले के बाद अलकुस ब्रिगेड ने भी तलाल हवा में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी थी। यहाँ पर अलकुस ने इजरायली सैनिकों पर एक स्नाइपर ऑपरेशन किया है। वीडियो में अलकुस का एक लड़ाका एक बिल्डिंग में छिपकर दूर एक इमारत में तैनात आईडीएफ के एक जवान पर गोली दाग देता है। और इसके बाद अलकुस का एक लड़ाका इलाके में प्रवेश कर रहे इजरायली सैनिकों के एक काफिले पर रॉकेटों की बरसात कर देता है। यहां तक कि ये हमले यही नहीं रुके, बल्कि अल कासिम ब्रिगेड ने तो नेटजरी मैक्सिस में इजरायली सैनिकों की चौकियों पर जमकर बमबारी की है। जुहार अल दायक इलाके में अल कासिम ब्रिगेड ने मोर्टर और कम दूरी वाले रजूम मिसाइलों से हमला किया है। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कुछ लड़ाके लॉन्चर में पहले तो कई छोटी मिसाइलों को भरते हैं, और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से ये मिसाइलें आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ जाती हैं।